क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन, यानी कि हमारी तारीफ अगर कोई करता है, या हमारी कमी खामी कोई निकालता है, नुक्ताचीनी अगर कोई करता है यानी कमियां निकालता है, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे झेला जाए, और झेला कहूँ या फिर यूँ कहूँ कैसे टैकल किया जाए इनके साथ, है ना, इनको कैसे लेना चाहिए, कैसे रिसीव करना चाहिए, और क्या इनके बारे में हमारा नज़रिया होना चाहिए, आज उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। और एक छोटा सा एक जुमला है जो बन पड़ा था मुझसे, वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि क्या होता है इसका मतलब, जो लाइन जो मैं आप कहने जा रहा हूँ कि अपनी हथौड़ी अपने हाथ होनी चाहिए, है ना। आइए जानते हैं इस टॉपिक पर कि मैं क्या विचार रखता हूँ और क्या मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ सोचें तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है। आइए देखते हैं। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। तो जानते हैं क्या मतलब होता है इसका कि अपनी हथौड़ी अपने हाथ। देखिए, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं अपने गुरु जी की, दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी की क्लास में बैठा हुआ था और कुछ बात निकली तो वो इस चीज़ को समझा रहे थे कि कैसे कलाकार जो हैं, थोड़ा सा अगर कोई अप्रिशिएट कर दे, थोड़ी सी तो कोई तारीफ़ कर दे तो वो चढ़ जाता है, मतलब और अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगता है और एक ईगो आ जाता है और एक घमंड वाली बात है, है ना। और अगर कोई थोड़े से आपके काम की नुक्ताचीनी कर दे, कोई अगर कमी खामी निकाल दे, है ना, बुराई कर दे, तो कैसे आप एकदम मुंह उतर जाता है आपका और कैसे आप, है ना, डल से हो जाते हो, आपको लगता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा गुरुजी मेरे हिसाब से तो सबको, और उस वक्त मैं तबला ही मिला रहा था, तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा गुरुजी मेरे हिसाब से तो सबके हाथ, सबकी जो हथौड़ी होती है ना, वो उनके खुद के हाथ में होनी चाहिए, है ना, कि कितना चढ़ाना है कितना उतारना है ये खुद को मालूम होना चाहिए, ना कि कोई तीसरा आके बताएगा हमें कि तुम में क्या कमी है, क्या खामी है, या क्या अच्छा है तुम में, है ना, वो कोई बताए और फिर हम डल हों यानी उतरें या फिर चढ़ें, ना, ईगो हो जाए। तो वो अपनी हथौड़ी जो अपने हाथ में होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, वाकई हाँ बात तो यही है कि इट इज़ यू हु इज टू एनालाइज, है ना, आप खुद को एनालाइज खुद ही कर सकते हैं और कोई नहीं। जाहिर बात है कि कुछ ऐसे क्रिटिक्स होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उनके पास ये हक होता है कि वो आपको बताएं कि आप कैसा कर रहे हो और कैसा नहीं कर रहे हो, उसमें क्या खामियां जा रही हैं, है ना, वो बताएं। आपको उन खामियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम अपनी जो नज़रिए हैं बहुत बड़े अलग रखते हैं। हमें अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बुरा कह दे तो हमें बुरा लग जाता है, है ना। आप मेरे वीडियो के कमेंट्स उठा के देखिए, हजारों लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम बेसुरे हो, तुम बेकार गाते हो, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि नहीं, यू आर डूइंग अ गुड वर्क, कीप इट अप, है ना, मेहनत कर रहे हो, प्रगति है, प्रोग्रेस है, लगे रहो। तो हम किस तरफ ध्यान देंगे, वो तो हमारे ऊपर है ना। तो जाहिर बात है अपनी हथौड़ी अपने हाथ रखो कि अपनी तारीफ, और ऐसा भी नहीं कि तारीफ आ गई तो मैं चढ़ गया हूँ कि मुझे मालूम है अरे चार लोग मेरी तारीफ कर गए तो मतलब मैं तो यूँ हो गया, अरे भैया मैं तो बहुत ज़्यादा सुरीला गाता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे रियाज की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप में से जो गुणीजन जो मुझे ये बताते रहते हैं कि तुम्हें अभी और रियाज करना है, मुझे मालूम है मुझे और रियाज करना, और मैं कर रहा हूँ, मैं प्रगति पर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, हर किसी की तरह मैं भी सीख ही रहा हूँ, मगर जो मेरे नज़रिए हैं मैं बताता रहता हूँ वीडियोस के थ्रू, मैं सिखाता तो नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं सिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि क्या विचार हैं जो मैंने बनाए हैं इस संगीत के तजर्बे में, आप भी बनाएं, है ना। तो वो चीज़ है कि आपकी प्रोग्रेस आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग भी तो उस लेवल का होना चाहिए, ऐसी नॉलेज आपके पास हो कि आप पता कर सको क्या गलत है क्या सही है, है ना। अपने आप को सुरीला आप कह सको, अपने आप को बेसुरा आप कह सको, वो टैग जो है आप लगा सको, उसके लिए आपके पास वो नज़रिया तो होना चाहिए।
किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें एक परसेप्शन, एक नज़रिए की ज़रूरत होती है। ये छोटा है या ये बड़ा है, ये मोटा है या पतला है, ये लंबा है ये छोटा है, उसको डिफाइन कैसे करोगे? जब आपको मालूम होगा लंबाई किसे कहते हैं, मोटापन किसे कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो सुरीला किसे कहते हैं, बेसुरापन किसे कहते हैं, वो अगर मालूम है बस काफ़ी है। हो नहीं हो ये ज़रूरी नहीं, मालूम होना चाहिए। ताकि मालूम है तो एटलीस्ट ये तो है कि उसमें काम कर सकते हो, अगर मालूम ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना। तो पहली स्टेज यही आती है कि आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यानी अपनी हथौड़ी अपने हाथ रखिए और किसी को भी ये हक ना दीजिए कि वो थोड़ी तारीफ करे और आप चढ़ जाएं और थोड़ा क्रिटिसिज्म दें तो आप उतर जाएं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं ख़त्म करूंगा इस टॉपिक को, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें कहने का। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन हमारे अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं अनुपम खेर साहब के साथ। तो उसमें अनुपम खेर साहब ने उनसे बोला कि आपको क्या लगता है जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपको कैसा लगता है, कि आपको बुरा लगता है, कैसा लगता है। हर कलाकार की एक स्थिति है ये। तो उन्होंने यही बोला कि हाँ बुरा तो लगता है, जाहिर बात है मैं भी जो बना हूँ अपने बल पे बना हूँ तो बुरा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा हर्ट करेगा लेकिन मैं प्रोग्रेस कर लूँगा, है ना, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो उस इंटरव्यू से एक बात उन्होंने नहीं कही बट मुझे मेरे जहन में आई कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने का हक आप देते हो, है ना, आप किसी को दे रहे हो। अगर उस सामने वाले ने बोला है तो उस आपको बुरा लग रहा है तो कैसे लग रहा है, वो तो बोलेगा ना, उसका तो मुंह है, है ना, उसने कोई चीज़ लिखी है तो कहेगा, वो तो उसका हक है, वो कह सकता है, डेमोक्रेसी है, वो कह सकता है, लेकिन आपके ऊपर है ना आप कैसे लेते हो। तो मैंने वो हक दिया ही नहीं तुझे कि तू मुझे दुख दे सके, हर्ट कर सके, या तुम्हारा क्रिटिसिज्म मैं लूँ। मैं मेरा क्रिटिसिज्म उन्हीं से लेता हूँ जिनको मैं वाकई अपने से ऊँचा या अपने ओहदे का मानता हूँ। ये मैंने सीखा है और मैं चाहूँगा कि आप भी सीखें। हर किसी का क्रिटिसिज्म या हर किसी की तारीफ भी नहीं लेनी, है ना। मैं हर किसी की तारीफ में भी खुश नहीं होता। अगर इगोइस्टिक वाली बात नहीं, बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट या कोई ऐसे दर्जे का जिसने अभी अभी संगीत सीखना शुरू किया है, उसको अगर मेरा गाना अच्छा लग रहा है तो वो जाहिर बात है तारीफ करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही उतनी है, है ना। उसे मेरा बेसुरा भी सुरीला लगेगा, लेकिन कोई सीखा हुआ व्यक्ति अगर वो मेरी तारीफ करे तो मैं लेता हूँ, मैंने कहा हाँ यार कि कुछ किया है, मतलब इसने तारीफ करी, मतलब कह सकता हूँ। मेरे गुरुजन मेरी अगर तारीफ करें, अगर मेरे सहपाठी जो मेरे साथ सीख रहे हैं वो मेरी तारीफ करें, या कुछ नुकताचीनी भी अगर वो करें, कुछ कमी खामी भी निकालें, तो मैं उनकी सुन सकता हूँ। राह चलते आदमी की कौन सुनेगा, है ना। तो वैसी ही बात है कि हर किसी का क्रिटिसिज्म या हर किसी की अप्रिसिएशन लेना नहीं, हर किसी की तारीफ या हर किसी की बुराई सहना नहीं, अपनी हथौड़ी अपने हाथ, ठीक है। तो देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, ऐसे ही सीखते रहें, कुछ ना कुछ नई बातें मैं लाता रहूँगा। शुक्रिया।